तो भाई शेड्यूल जो थी अपनी, मैंने इतनी कुछ पोत दी अभी, और टाइम हो गया दोपहर का 12:38, 12:40 हो गए, और शेड्यूल को मैंने इतना पोत दिया है। देखो बढ़िया लग रही है। मेरे डबरू का मन है कि ऐसे ही रहने देता हूँ प्राइमर पुतेली, तो वो क्या थोड़ी सी लुक में बढ़िया लगेगी, और पोतने में ना सब। तो भाई इसमें अभी हमने जोड़ ली है ये वाली शेड्यूल, इसको आगे कर देते हैं। ये लाज अब से न्यूजीलैंड में पहली बार जुड़ी है। तो स्वागत है भाई आप सभी को हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और आज सुबह का टाइम हो रहा है, कितने 8:30, और वीडियो स्टार्ट कर दिया मैंने। इसमें लगा न्यूजीलैंड ये वाली ट्राली में, जिसमें है रेत और उसमें है जॉन्डियर फंसा हुआ है, जिसमें है सीमेंट और गिट्टी जो आपने बिछा हुआ है, जहाँ मसाला बना के उस साइड लेके जा रहा है ताकि नीचे की ज़मीन डल जाए। देखो इसमें रेत पड़ी हुई है, उसमें जॉन्डियर है। गिट्टी और सीमेंट गेंद पड़ी हुई है, गेंद निकाल के लाता हूँ। तो भाई अभी आ चुका हूँ शेड्यूल के पास अपने, मेरा सब सामान आ गया। यहाँ गया तेल, यहाँ गया छोटा ब्रश जो कि नया है, और ये आ गया पेंचकस, ये है पेंट, और ये है डब्बा, और साथ में ये है अपना एक और ब्रश जो कि है पुराना। और ये शेड्यूल पर पेंट करते हैं। पेंट अपना है ये जो कल्टीवेटर पे है ना इधर, तो ये तो काला है, ये जो कल्टीवेटर पर सिल्वर टाइप प्लव पे है अपने, वो पेंट है। तो वो ही मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है शेड्यूल कल्टी में। वो तो अभी ओनली इन लाल वनी पे ही देने लगे हैं ये वाला वो क्या बोलते कलर, बाकी नहीं तो टोटल कल्टीवेटर जो रहते हैं उन पे यही कलर होता है सिल्वर टाइप के, इसमें लिखा भी है ना ग्रे कलर। एक लीटर है ये, पता नहीं कौन सा है क्या है, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। ये छोटा वाला ब्रश अपनी ये जगहों पे काम आ जाएगा, जैसे ये जगह है ना ये पतली पतली ये वाली, इन पर काम आ जाएगा। नहीं तो इनसे अगर इससे पूरी शेड्यूल पोतूंगा तो फिर 3-4 दिन लग जाएगा इससे, तब तक पोताएगी नहीं। तो एक तो घाम में पोतना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैक्टर अपने पास अवेलेबल है नहीं, अभी दोनों ट्रैक्टर ट्राली में लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा ठंडा भी, इतना कोई घाम नहीं है अभी ज़्यादा, करते हैं ट्रैक्टर फिरने के बाद इसको उठा कर और कहीं रखेंगे छाँव में। बाकी चलो मिलाते हैं पेंट अपना और स्टार्ट करते हैं। तो भाई शेड्यूल जो थी अपनी, मैंने इतनी कुछ पोत दी अभी, और टाइम हो गया दोपहर का 12:38, 12:40 हो गए, और शेड्यूल को मैंने इतना पोत दिया है। देखो बढ़िया लग रही है। मेरे डबरू का मन है कि ऐसे ही रहने देता हूँ प्राइमर पुतेली, तो वो क्या थोड़ी सी लुक में बढ़िया लगेगी, और पोतने में ना सब गंदा सा लगेगा क्योंकि आधी जगह होगा आधी जगह नहीं होगा। देखो और पेटी में भी यही मन है कि इसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ, नीचे नीचे पोत दूंगा, बाकी खाली ऐसे ही रखा रहने दूँगा। उसका बाकी बढ़िया बढ़िया लग रही है वैसे तो, और थोड़ा सा भी नीचे और पोत देता हूँ तो जो प्राइमर वाला है वो से मिट जाएगा, नीचे का डबरू रहेगा प्राइमर पे, और अपना पेटी अंदर साइड, और वो भी नीचे नीचे पेटी अपन पोत देंगे, क्योंकि वो प्राइमर में भी रह गई थी, साथ में कल अपन ने वो निकाली थी उनकी पत्ती, वो भी नई बनवा के लगा देंगे। और पुटलिया भी अभी बनवाया है, और इसमें भी प्राइमर पोत दिया मैंने, बाकी अब शेड्यूल उठेगी उसके बाद काम होगा। ट्रैक्टर भी अपना एक न्यूजीलैंड इधर खड़ा होगा जिसमें बंधी है गैया, क्योंकि एक ट्रैक्टर तो होना गैया बांधने के लिए, क्योंकि जगह नहीं है, और अपने जो गैया शेड्यूल में बंधी थी शेड्यूल यहाँ पर पड़ी है, तो इस वजह से न्यूजीलैंड खुला है, मैंने यहीं पर खड़ा था इसलिए उसको खुला है। और अभी 12:30 हो चुकी है, 1:15 हो गई है 12:30 के, तो अब चलते हैं अंदर, खाना पीना खाएंगे, हाथ पैर धोके उसके बाद मिलते हैं। न्यूजीलैंड पटेल इधर खड़े हैं छाँव में, और जॉन्डियर उधर ही खड़ा है। न्यूजीलैंड में कौन सी ट्राली फंसी थी, वो वाली ग्रीन वाली। तो बाकी चलो हाथ पर धोते हैं उसके बाद मिलते हैं अब सीधे 2:30 बजे। तो भाई टाइम हो चुका है 3:05, और मैंने इसमें डब्रू भी पोत दिया आके, बाकी थोड़ी थोड़ी जो पुटिंग बची थी वो भी कर दी है मैंने। तो ये डब्रू जो पोते हैं वो अभी तो आयल को पी गए हैं, ये इतनी जगह रहती, देखो कहाँ गई ये इस साइड ये जगह रहती है, ऐसी जगह बाद में मिलती है ना तो इनको पोतना पड़ता है। साथ में मेरा पेंट भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसमें मैंने प्राइमर पोता था 1 लीटर प्राइमर, ऐसा पोता था कि फटाफट पोत दिया और एक साइड हो गए, तो
तो अब पेंट है ना थोड़ा अच्छे से करना पड़ रहा है ताकि कार मतलब ऐसा दिखा नहीं पहले का कलर। तो बहुत बहुत जगहों पर मैंने करा, ऐसी जगहों पर भी कर दिया जहाँ मैंने प्राइमर ही नहीं पोता, वो जगह पे भी मैंने पेंट मारा, इसलिए पेंट की अपने पास कमी हो गई है। तो पेंट मेरा थोड़ा सा और है तो कितना है ये बार देखते हैं। ये देखो इतना सा और है, तो इसको एक बार और मिक्स करके बना के और एक बार डबल फेर देता हूँ पेटी पे, जो काला काला दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, वो वहाँ पर दिख रहा है वो जगह पे, कैमरा में इतना नहीं दिखाता होगा। इतना पेंट पोत पाच के फिर एक बार जाके और पेंट लेकर आना पड़ेगा, तो इतना पोत देता हूँ। और फिर अभी ट्रैक्टर भी फ्री नहीं, एक में गैया बंदी, अरे एक में गैया बंदी हुई है और एक में है ट्राली फंसी, वो ट्राली माल रखा है पीछे तो वो ऊंची होने में मतलब उलाल हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नीचे नीचे का बाद में पोटूंगा, अभी ऊपर का एक बार डबल कर लेते हैं और हो जाएगा काम, जब तक अपना पेंट भी आ जाएगा हो सके तो, नहीं तो लाना पड़ेगा मेरे को ही। बाकी चलो इसको एक बार डबल पोट देता हूँ ऊपर ऊपर पेटी में, जो जहाँ काला दिख रहा है वही में ही। तो भाई टाइम हो गया 4:30, इसका मैंने पेंट कर दिया हूँ पूरा ख़त्म, उतने पर डबल मार दिया, न्यू हॉलैंड इधर खड़ा हुआ है और एक ट्राली वो खड़ी, और न्यू हॉलैंड वाली ट्राली जो है वो लगी है अपने नए वाले कमरे में, जो ये कमरा है ना सामने ट्राली के पीछे वाला, इसमें लगी है वो ट्राली, जिसमें ऊपर चढ़ के पेंट हो रहा है, मतलब जो पाइप डले ना टीन पे उनमें पेंट हो रहा है, तो उसमें ट्रैक्टर फंसा है वो खड़ा जॉन डियर, वो वहाँ पर टायर टायर दिख रहे हैं। और मैं यहाँ इसलिए हूँ कि ये कोठी उनको आगे ले जाना है, तो इनमें चार बंडे लगते हैं रस्सी से ऐसे उठा के, वो चार लोग उठा के ले जाते रहते हैं बढ़िया से। ये कोठी कितने दिन से पड़ी है बाहर। बाकी ये देखो इसका कलर ब्लैक, इसका हो गया ऐसा ब्लू टाइप, अगर कोई दूर से देख रहा है ना तो इतना समझ में नहीं आएगा, बट अगर पास से आओगे तो थोड़ा बहुत 19-20 आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा अंतर है सीरियल में। और खैर वहाँ की पुताई में और यहाँ की ब्रश में अलग ही निशान पर तो समझ आ जाता है कि पेंट हाथ से हुआ है। और अब मैं ये ऐसी जगह वहाँ, ये ऐसी इनमें ब्रश ही नहीं चल पा रहा है, इस वजह से भी कहीं कहीं जगह रह जा रही है। बाकी जितना हो सका मैंने मेरी पूरी कोशिश कर दी इसको पोतने के लिए, अभी ये उठेगी तो इधर नीचे भी पूरा, नीचे भी कुछ भी नहीं पोता है मैंने ये समझ लो, यहाँ तक कि ये ऊपर ऊपर की जो दिख रही है यही पोता है, बाकी नीचे उठे वो ऊपर उठेगी उसके बाद होगी पुताई। अगर मुझे पता होता कि इसको बेचना नहीं है और पेंट करना है तो भाई इसको जब मैंने बनाई थी ना तभी अपन इसको पूरी तरह से खोल के, पूरी एक एक टांग खोल देते अपन, अलग ही फेंक देते बाहर, उसके बाद अपन जितने भी अपने से पार्ट्स खुल जाते इसके वो पूरे खोल कर और बढ़िया से पेंट करते, डब्रू खोल देते पूरे अंदर से, और क्या खुलता अपने से, टांग पूरी निकल जाती, तो ये सिस्टम जो है पूरा इतना झटका, ये उठा कर अपन ऊपर रख लेते टांग यहाँ से खुल जाती, मतलब हाँ टांग टांग पूरी खुल जाती ना तो भी बहुत अंतर आ जाता, पूरी पुता जाती है अंदर बाजू जो रह रही है, टांग भी नीचे साइड रह जाएगी, अच्छे से नहीं पुता पाएगी क्योंकि लिपटी इतनी उठती नहीं है, और अपन पूरे अगर अंदर उसके पोतेंगे तो पेंट अपने ऊपर ही गिरेगा, तो बस एक वो ही दिक्कत रह गई है, नहीं तो बाकी पेंट तो बढ़िया हुआ है। ये देखो बाकी चलो कोठी रखवाते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो भाई अभी टाइम का शाम का टाइम हो चुका है 5:30, और देखो अभी अपने गेहूँ, अरे तो मैंने खैर कल की वीडियो में बताए थे मैं आया हूँ चारा लेने यहाँ पर गैया के लिए अपनी, और ट्रैक्टर आया हूँ अपना ये जॉन डियर, जिसमें टायर में मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना ये थोड़ा सा पी चुका है टायर, जो कलर जो है ना वो थोड़ा सा पी गया है टायर ने, मतलब पी कैसे सकता है, रबड़ है तो फिर कैसा क्या हो, लेकिन थोड़ा सा डिम हो गया 2 ही दिन में, मेरे हिसाब से अब डबल से करना पड़ेगा तब जाकर वो थोड़े दिन टिकेगा, वैसे इतना अंतर तो आया नहीं है खैर, लेकिन आ गया है अपन ने करा था उससे। उसके बाद ये देखो बाकी इसका काम कराना है लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसकी ट्राली खोली और मैंने इसको हिंच लाया इधर, निवालेंट पीछे खड़ा था और रास्ते में ट्राली खड़ी थी इस वजह से इसको खोला, और बाकी चलो अब यहाँ से चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं अब सीधे घर पे। और गेहूं भी अपने चना तो खेरा ही चुका, वो भी आ गया, उधर का खेत का भी आ गया, गेहूं भी आ ही चुके हैं लगभग, ये पूरे गेहूं आ चुके हैं देखो ये, थोड़ा सा कच्चा है अभी, मतलब अपना चना कटेगा
तब तक ये गेहूँ पूरा हो जाएगा, अपना आ जाएगा पूरा। बाकी ये गेहूँ में थोड़ा टाइम और लगेगा ज़्यादा। बाकी चलो मिलते हैं अब सीधे घर पे। तो भाई अभी इसमें फंसी हुई है ज्वेल ट्राली, और उसमें निवारण में हो रही है रेत काली, और ये ट्राली इसमें फंसा ली ताकि कचरा भरा चल रहा है हमारा, क्योंकि खला साफ करना है। देखो खले की सफाई हो रही है उधर, खले ही खला सफा सफा। ये देखो इधर, बाकी चलो इसको फेंक के आते हैं। और वो ट्राली भी हो गई है खाली, सिडिल रखना ये वाली अभी। तो भाई इसमें अभी हमने जोड़ ली है ये वाली सिडिल, इसको आगे कर देते हैं। ये लाया जब से न्यूजीलैंड में पहली बार जुड़ी है ये सिडिल, बढ़िया रिस्पांस है, ज़्यादा जुली हो रहा है। ये ट्राली इसकी खोल दी, रेत खाली हो गई थी इसको खोल दी एक साइड में, ये ट्रैक्टर इसमें जुड़ा है। बाकी काम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, जरा साफ सफाई। बाकी चलो चलते हैं। तो भाई अभी मैंने ट्राली खाली कर दी है, ये पड़ा ढेर अपना, और ये वाला कचरा बहुत पसंद आया मेरे को। एक बार ऊंची करी और पूरा कचरा खाली, एक बार ऊपर चढ़ना पड़ा था, बस थोड़ा सा ढेर लग गया था, वो एक लात मारी और सब नीचे। बहुत बढ़िया कचरा था, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। चलो इसमें एक बार झाड़ू मार देते हैं, ये हो रही है सीमेंट में, और इसमें झाड़ू मार के इसको कर देते हैं कंप्लीट। गाने चालू है मेरे, बाकी चलो मिलते हैं सीधे घर पे। भाई टाइम हो गया दोपहर का एक, और मैं ट्राली मतलब दो हो गए दोपहर के दो, ट्राली लेकर तो बहुत देर का आ गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा काम करने लगा था, ये ट्रैक्टर को कोई ना कर ही नहीं चाहूँ मैं, इस पर आ गई धूप, तपरा होगा। ये देखो थोड़े दिन की और बात है, छाँव में रख लो इनको। कहाँ पर करें यार इसको, ये वाली शेड्यूल अपनी यहीं पर रहती, इसको भी हटाना पड़ेगा। पेड़ में भी पत्ती भी नहीं है, इस वजह से भी थोड़ी छाँव ऐसे ढीली ढीली हो रही, नहीं तो बहुत गहरी छाँव रहती है गर्मी में तो बहुत तगड़ी। अभी मतलब ये समझ लो कि 20 से 25 दिन बाद इसकी छाँव बहुत बढ़िया आएगी। बादाम भी अपना कट गया तो उसकी भी छाँव नहीं है ज़्यादा, अभी बूटनी सी है बस, वो दिख रही। बाकी चलो काम अभी स्टार्ट होएगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। वैसे काम तो सब हो ही चुका है, ये जो पाइप थे उनको भी यहाँ जमवा लिया, पाइप के साथ वो जो जो भी सामान पड़ा था वो सब हटा दिया। अब बस तो कल से चना स्टार्ट हो जाएगा अपना, कल या परसों के दिन से कटना, कटने को तो आज भी कट जाए लेकिन लेबर नहीं है, तो बस कटना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद फिर अपना डेली व्लॉग आएगा, डेली वीडियो आएगी अपनी। अभी का थोड़ा काम में भी लगे रहते हैं, ऊपर से इतना कुछ खास काम नहीं है दिखाने लायक कि अपन सब काम की वीडियो बना सकें। बाकी चलो अभी आगे चलते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं 3-4 बजे। तो भाई टाइम हो गया दोपहर के 3:30, और अभी हम आए बाड़ा में इंजन लेने। इंजन हमने चढ़ा लिया है, पाइप लिया है, कितने 6-7 पाइप है वो लेने जा रहे हैं उधर। तो इंजन चढ़ा लिया, फुटवाल रख ली ऊपर की, ओवर नल वो नली रख ली ऊपर वाली, अब पाइप बचे हैं, पाइप बोले क्या है। और उसके बाद अभी तो फिलहाल अभी आगे कुछ काम दिख नहीं रहा है, बाकी चलो थोड़ी देर देखते हैं उसके बाद फिर चलते हैं घर। पाइप आने के बाद 6-7 पाइप है इंजन के, ये है अपने 2.5 इंच पाइप, और जो अपने मोटर में डले हैं मतलब अपने खेत वाले, वो है 3 इंच पाइप, और ये है 2.5 इंच। पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा फुटबॉल का, अब बिन मतलब आधी चीज़ें हुई तो पानी निकल रहा उसमें से, वो पानी है। बड़ी ट्राली होती ना
मुश्किल गिरता, और गिरता ही नहीं मेरे हिसाब से तो, अपनी जो जॉन डियर वाली ट्राली होती तो। बाकी चलो मिलते हैं अब घर।